मैं यतिवर या कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुंडली में बनने वाले 18 प्रकार के विशेष धन योग के बारे में बताऊंगा। यह योग मैंने मेरे फेसबुक के अकाउंट पर 24 नवंबर 2012 को भी पोस्ट किया था, जिसको मेरे दैनिक यति राशिफल के ग्रुप के पाठकों ने बहुत पसंद किया था। और उस पोस्ट को मैंने व्हाट्सएप पर भी एक ग्रुप में पोस्ट काफी पहले कर दिया था, जिस पर बहुत पॉजिटिव लाइक्स और कमेंट्स भी आए थे। और पाठकों ने इस पर वीडियो बनाने का मेरे को बहुत अनुरोध भी किया था, लेकिन मेरे पास में समय का अभाव रहने के कारण मैं इतने समय तक इस विषय पर वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन अब फिर अनुरोध किया है तो आपके लिए एक विशेष पोस्ट लेकर आया हूं। इसमें मैंने कुंडली में बनने वाले प्रमुख धन योग के बारे में बताया है। अगर आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का कोई योग बन रहा है तो निश्चित ही आप धनवान भी होंगे। और अगर ऐसा योग कुंडली में बना हुआ है और आपके पास में पर्याप्त धन नहीं है, तो फिर आप अपनी कुंडली किसी अनुभवी ज्योतिषी को बताएं और पता करें कि स्थिति आपकी कुंडली में धन योग है, फिर भी धन की वैसी जो है पोजीशन या स्थिति नहीं है जैसी इस प्रकार के योग के कुंडली में होने के कारण होनी चाहिए। अगर यह वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप धन के देवता कुबेर जी के लिए जय कुबेर देव अवश्य लिखें। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आज हम कुंडली में सिर्फ धन योग के बारे में कुछ विचार करेंगे कि वो कौन से योग है जिससे कि व्यक्ति धनवान बनता है। वैसे तो कुंडली में और भी ऐसे योग होते हैं कि अनेक ऐसे योग कई प्रकार के बनते हैं जिससे कि जातक जो है जन्मजात धनवान होता है। और कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिनके होने मात्र से ही धन योग का नाश हो जाता है और व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। मगर आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके कुंडली के अंदर बनने वाले धन योग के बारे में बातचीत करूंगा। अगर आपके पास में आपकी जन्म कुंडली है तो अभी से खोलकर उसको बैठ जाए और जैसे मैं ग्रहों की स्थिति धन योग के बारे में बताऊंगा तो आप अपनी कुंडली में वह योग चेक कर सकते हैं कि ऐसा योग आपकी कुंडली में है क्या। अगर है तो निश्चित है कि आप धनवान बनने के योग्य हैं या धनवान बने हुए हैं। अब मैं आपको कुंडली के 18 प्रकार के विशेष धन योग बता रहा हूं, इसलिए आप बहुत ध्यान से देखें कि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग है या नहीं है। मेरा पूरा वीडियो अब इस समय से ध्यान से आप पूरा देखें। पहला जो योग धनयोग बनता है कुंडली में, वह लग्न का स्वामी अगर 10वें भाव में आ जाता है तब जातक अपने माता पिता से भी अधिक धनवान या धनी होता है। दूसरा है मेष या कर्क राशि में स्थित अगर बुध हो कुंडली में तो धनवान बनने का योग बनता है। तीसरा, जब गुरु 9वें या 11वें भाव में बैठे हो और सूर्य जो है 5वें भाव में बैठे हो तब व्यक्ति धनवान होता है। चौथा है, शनि ग्रह को अगर छोड़ दो तो बाकी के कोई भी ग्रह जब कोई दूसरे और 9वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे की राशि परिवर्तन करके बैठे होते हैं तब व्यक्ति जो है धनवान होता है। अगर जैसे मान लो दूसरे और 9वें भाव का स्वामी कोई दूसरा ग्रह है शनि को छोड़कर, तो फिर आदमी धनवान होता है। अगर शनि के साथ में किसी ने राशि परिवर्तन किया है, शनि अगर दूसरे या 9वें भाव का स्वामी है और शनि के साथ में किसी ने राशि परिवर्तन किया है तो यह योग नहीं बनता है। पांचवा है, जब चंद्रमा गुरु के साथ हो या शुक्र के साथ हो और 5वें भाव में गुरु चंद्र की युति हो या गुरु शुक्र की युति हो तो यह युति जो है आदमी को धनवान बना देती है। छठा है, दूसरे भाव का स्वामी यानी धन और कुटुंब स्थान का स्वामी अगर 8वें भाव में चला जाता है
तो व्यक्ति को जिसके कुंडली में यह योग बना होता है उसको खुद के मेहनत से और खुद के प्रयासों से धन मिलता है। उसको आसानी से धन नहीं मिलता पूर्वजों को है या कहीं और से इधर उधर से धन नहीं मिलता, बल्कि वह अपनी मेहनत से खूब कमाता है, मेहनत करता है और धनवान बनता है। सातवां है, यदि दसवें भाव का स्वामी कर्म स्थान का स्वामी लग्न स्थान में आ जाए तो जिसकी कुंडली में ऐसा योग होता है वह आदमी धनवान होता है या उसकी कुंडली में यह धन योग बनता है। आठवां है, सूर्य छठे भाव में या 11वें भाव में हो तो व्यक्ति को अपार धन मिलता है, विशेषकर जब सूर्य और राहु के ग्रह योग बन रहे हों तो यह अपार धन योग भी बन जाता है। नौवां है, छठे आठवें और 12वें भाव के स्वामी, छठा रोग-रण शत्रु स्थान, आठवां मृत्यु स्थान और 12वां खर्च स्थान, इनके स्वामी अगर छठे आठवें या 12वें स्थान में हो या फिर 11वें स्थान में भी हो अगर, तो व्यक्ति को अचानक धनवान बनाता है। ये पूरे जिंदगी आदमी संघर्ष करता रहेगा कि योग है योग है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये ग्रहों के जो दशा महादशा का चलन गोचर ऐसा होगा कि अचानक से व्यक्ति धनवान बन जाता है। दसवां है, यदि सातवें जीवन साथी और साझेदार स्थान में मंगल या फिर शनि बैठे हो और 11वें भाव में शनि या मंगल बैठे हो, या तो 7वें भाव में शनि मंगल बैठे हो, शनि मंगल की युति ना हो, या तो 7वें भाव में शनि बैठा हो या तो मंगल बैठा हो, या फिर 11वें भाव में शनि बैठा हो या तो 11वें भाव में मंगल बैठा हो या फिर राहु बैठा हो 11वें भाव में, तो भी व्यक्ति जो है वह खेल कूद से, जुए से, दलाली से, कमीशन से, वकाला से आदि से धन पाता है। 11वां है, मंगल चौथे भाव में हो, सूर्य 5वें स्थान में हो, चौथा स्थान होता है माता का सुख का, तो चौथे स्थान में अगर मंगल बैठा हो, 5वां स्थान होता है संतान और शिक्षा का, तो 5वें स्थान में अगर सूर्य बैठा हो और गुरु जो है वह 11वें भाव में बैठे हों, तो व्यक्ति को जो है पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। अब इन तीन ग्रहों में जैसे मैंने बताया अभी कि मंगल चौथे भाव में हो, सूर्य 5वें में हो, गुरु 11वें में हो, अब अगर इन तीन ग्रहों के जो स्थान है मैंने बताया, इन तीन स्थानों में अगर कोई ग्रह गुरु मान लो 5वें में आ गया, सूर्य अगर 11वें में चला गया, तब भी ये धन योग बनता है। और जो ऐसे योग बनते हैं उनके उनको जो है पैतृक संपत्ति मिलती है, खेती से धन मिलता है या भवन से जो भी है आय प्राप्त होती है, मकान किराए पर रहते हैं, दुकानें किराए पर रहती है और कुछ भी हो किराए से उनको या और किसी रॉयल्टी से उनको धन प्राप्त होता रहता है। 12वां है, गुरु जब कर्क राशि में हो या धनु राशि में हो या मीन राशि में हो और 5वें स्थान का स्वामी 10वें स्थान में अगर, यानी कर्म स्थान 5वें संतान शिक्षा स्थान का स्वामी अगर 10वें कर्म स्थान में चला जाता है, तब ऐसे योग जिनकी कुंडली में बनते हैं उस व्यक्ति को अपने पुत्र से और पुत्रियों से धन लाभ होता है या वह उनके धन पर उनसे धन प्राप्त होता है, लड़के और लड़कियों से, उनके संतानों से। 13वां है, अगर राहु या शनि या मंगल या सूर्य 11वें भाव में हो तब व्यक्ति धीरे धीरे धनपति हो जाता है। राहु शनि एक साथ हो या अलग अलग हो, या मंगल सूर्य एक साथ हो या फिर अलग अलग हो, तो व्यक्ति धीरे धीरे जीवन में धनवान बनता है। 14वां है, बुध और शुक्र और शनि जिस भाव में एक साथ हो, यानी बुध और शुक्र की युति किसी भी भाव में हो और साथ में अगर शनि बैठ जाता है तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी बनता है और उद्योगपति बनता है और बड़ा धन कुबेर भी बनता है। यानी कि बुध और शुक्र की युति हो, साथ में अगर शनि बैठा हो तो व्यक्ति
धन कुबेर बन जाता है, उसके पास अनाप शनाप धन रहता है, अरबों खरबों में धन रहता है। तो इस प्रकार के योग कुंडली में बहुत कम बना करते हैं, लेकिन बनते हैं। 15वां है, 10वें कर्म स्थान का स्वामी वृषभ राशि या फिर तुला राशि में हो और साथ में शुक्र सातवें जो जीवन साथी स्थान होता है या साझेदार स्थान होता है वहां पर हो या फिर 10वें भाव में हो, तो व्यक्ति को विवाह के द्वारा पत्नी की कमाई से बहुत धन लाभ होता है। तो यह जो योग है, पत्नी के धन पर जीवन गुजारा करने वाले ऐसे लोग होते हैं, उनकी कुंडली में प्राय होता है। 16वां जो योग है वह शनि जब तुला राशि में या मकर राशि या कुंभ राशि में होता है या गोचर करता है, तब आंशिक योग्यता जैसे कि अकाउंटेंट कोई है, गणितज्ञ कोई है, ऐसी विद्या से या ऐसे गुणों से या ऐसे शिक्षा से आदमी खूब कमाता है और खूब धन अर्जित करता है। अगर शनि तुला राशि में हो या मकर या कुंभ राशि में अगर गोचर करता है, तब इस प्रकार के योग बनते हैं। बुध, शुक्र और गुरु किसी भी ग्रह के एक साथ हो, यानी कि तीनों ग्रह बुध, शुक्र और गुरु, अगर ये तीनों की युति हो किसी भी भाव में, तब व्यक्ति धार्मिक बनता है, धर्म के द्वारा, धार्मिक क्रियाओं के द्वारा धनवान बनता है, जिनमें विशेषकर ज्योतिषी है, प्रवचनकार है, या धार्मिक क्रियाक्रम करने वाले पंडित जी होते हैं वो है, या धर्म संस्थाओं से जो कमाई करते हैं या धर्म संस्थाओं के जो प्रमुख होते हैं, इस प्रकार के योग उनकी कुंडली में होते हैं। या तो बुध शुक्र साथ में होता है, साथ में गुरु, यानी इन तीन ग्रहों की युति होती है, तो वह धर्म के काम करके खूब पैसे कमाता है। 18वां है, कुंडली के त्रिकोण ग्रहों या फिर चतुष्कोण ग्रहों में यदि गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध ये चारों बैठे हो, और फिर तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव में सूर्य, राहु, शनि, मंगल आदि कोई ग्रह बैठा हो, तब व्यक्ति राहु या फिर शनि की या फिर शुक्र या बुध की महादशा में अपार धन अर्जित करता है। यह मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, 18वां थोड़ा सा समझने की जरूरत है, स्क्रीन पर भी आप इस चीज को देख रहे हैं। कुंडली के त्रिकोण ग्रहों में या चतुष्कोण में गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध बैठे हों, या फिर तीसरे, छठे और ग्यारहवें स्थान में सूर्य बैठा हो या राहु बैठा हो, शनि बैठा हो या फिर मंगल बैठा हो, ऐसे ग्रह जब बैठे होते हैं तो व्यक्ति को राहु या शनि की महादशा होती है तब, या फिर बुध की या शुक्र की जब महादशा आती है, अंतरदशा आती है, तब बहुत सारे धन मिलता है। अगर प्रत्यंतर दशा भी आती है तब भी बहुत धन मिलता है। यह थे आज के वीडियो में कुंडली के 18 जो योग विशेष प्रकार के बनते हैं वह मैंने बताए हैं। एक योग मैं आपको और बता देता हूं जो कुंडली में बड़ा ही मुश्किल से मिलता है, जो प्रशासनिक सेवा में लोग होते हैं उनके लिए उनकी कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। यह विशेष योग कैसा है, गुरु जब 10वें या 11वें भाव में आता है, यानी 10वां भाव कर्म स्थान का और 11वां भाव लाभ स्थान का होता है, और सूर्य और मंगल अगर चौथे या पांचवें भाव में हो, तो जैसे मैंने पहले भी यह बताया कि गुरु, सूर्य, मंगल, अगर ये तीन स्थिति जो मैं बता रहा हूं इनके अगर ग्रह थोड़ा आगे पीछे, यानी कि स्थितियां अगर इनकी बदली रहती है, मान लो सूर्य चौथे में नहीं पांचवें बैठा है, मंगल चौथे में नहीं पांचवें बैठा है, या सूर्य जो है पांचवें में नहीं चौथे में बैठा है, गुरु है जो पांचवें बैठा है, पांचवें स्थान का वो जो मंगल होना चाहिए वहां बैठा है ग्यारहवें स्थान में, तब भी ऐसी विपरीत स्थितियों में भी व्यक्ति को प्रशासनिक सेवाओं में जाने की क्षमता जो है ऐसे ग्रह योग पैदा करते हैं, और प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद में ये लोग खूब धन प्राप्त करते हैं और जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। यह था आज के वीडियो में
कुंडली में बनने वाले धन योग के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय कुबेर देव अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं आपको बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा यह मैं बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।